अगर एक नुक्कड़ पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक कचरा उठाने वाला इंसान दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट में आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान बिना किसी डिग्री के एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करके इंडिया का बेस्ट बिजनेसमैन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद भी इस दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं यार। अगर कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद अपने ही कॉलेज के टॉपर्स को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान जिसे न्यूज़पेपर वालों ने यह कहकर निकाल दिया कि उसके अंदर आइडियाज की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, वो मिकी माउस जैसा कैरेक्टर डिजाइन कर सकता है और डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान जिसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे मोबाइल और हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से ब्लॉक कर देती है वो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान 999 बार फेल होके बिना हार माने 1000वीं बार में बल्ब का आविष्कार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान 2 बार बिजनेस में फेल होके डिप्रेशन में जाके 8 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारने के बाद भी 9वीं बार में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान अपनी ही कंपनी में फायर होने के बाद दुनिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक लड़की 9 साल की उम्र में सेक्सुअली अब्यूज्ड होने के बाद, 10 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने के बाद, लोकल टीवी शो से फायर होने के बाद ऑस्कर जीत सकती है और करोड़ों रुपए कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक जॉबलेस लड़की जिसका उसके पति के साथ डाइवोर्स भी हो गया और उसके 3 साल के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी उसके पास है, डिप्रेशन में जाने के बाद भी वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल सीरीज यानी कि हैरी पॉटर लिख सकती है जिससे वो हर सेकंड $8 कमा रही है यानी कि एक दिन में इतने पैसे कि वो हर रोज एक लैम्बोर्गिनी खरीद सके तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, चलना फिरना तो दूर की बात, वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकता, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से एक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान 19 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप आउट करके बैंकरप्ट होने के बाद इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो यार आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, बस आपको एक आग की जरूरत है, एक स्पार्क की जरूरत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल और वो स्पार्क आपको खुद के अंदर मिलेगा यार। आप खुद जिम्मेदार हो अपनी सक्सेस और अपने फेलियर्स के लिए। आप आज जो भी हो वो आपके पास के कामों का रिजल्ट है और आप कल जो बनोगे वो आपके अभी के कामों का रिजल्ट होगा। तो यार मेरी तरफ से आप सबको ऑल